जो लोग दिल्ली में रहते हुए भी इन खूबसूरत जगहों पर नहीं घूमे तो एक बार जरूर आके देख लीजिए। तो गाइज ये दिल्ली का लोधी गार्डन, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक ट्रिप और घूमने के लिए आ सकते हैं। तो गाइज ये घूमने और पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये जोरबाग मेट्रो स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ से आप पैदल सिर्फ 10 या 15 मिनट में पहुँच सकते हो। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको जाने में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट ही लगेगा। तो गाइज ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है घूमने के लिए। अब तो गर्मी का टाइम आ गया, तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील करोगे। तो गाइज ये देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और रंग बिरंगे फूल और तितलियाँ सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो गाइज अपने छोटे बच्चों को लेकर एक बार यहाँ पे जरूर आइए, क्योंकि ये उनके घूमने और खेलने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देख लीजिए मेरे पीछे कितनी खूबसूरत बहुत ही झाड़ियाँ लगी हुई है। तो गाइज इस गार्डन के अंदर आपको बहुत सारे रंग बिरंगी सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा फील करोगे इन सबको देख के। तो गाइस देख लीजिए कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है इस साइड में, और देख लीजिए सीढ़ियाँ कैसे दाना उठा उठा के खा रही है। तो अपने साथ कुछ भी ला रहे थे, एक बार इनको ज़रूर खिलाइएगा। तो गाइस देख लीजिए कैसे उड़ के खा रही है। तो अपने फैमिली के साथ एक बार यहाँ पर ट्रिप प्लान जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने रंग बिरंगे फूल है, जिसको देख के बहुत ही अच्छा फील होता है। तो गाइस देख लीजिए बहुत सारे लोग अंदर खेल रहे हैं, और यहाँ पे आप फोटो क्लिक भी कर सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे एक लकड़ी का पेड़ पर जला हुआ है, तो उसका बहुत ही अच्छी तरह डिजाइन करा गया, एक बहुत ही फेस को तैयार किया गया। और यहाँ पे देख लीजिए पक्षी के 2 छोटे छोटे बच्चों की भी डिजाइन बनाई हुई है, देखने बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइस एक बार आके अपनी आँखों से ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पर रंग बिरंगे आपको फूल बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आना और अपने बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना, तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो गाइस देख लीजिए बहुत सारे फूल अच्छी सी तरह की।